नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास व सौंदर्यकरण के योजनाओं का शिलान्यास किया। इसी के साथ साथ बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सीतामढ़ी के लोगों को बहुत बड़ी सौगात दी है। आज के दिन का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे सीतामढ़ी के लोग और आज नीतीश कुमार ने 72 करोड़ रुपए का सौगात दिया है। बता दें आपको कि सीतामढ़ी के जो लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे थे और इसी दिन का इंतजार वो लोग कर रहे थे। अंततः उनका इंतजार आज समाप्त हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी सौगात दी है सीतामढ़ी के लोगों को। बताते चले आपको कि अब वहां पर मंदिर का निर्माण हो जाएगा और वहां पर अब रोजगार भी उपलब्ध होगा और रोजगार भी वहां के युवाओं को मिलेगा। ऐसा कहना हमारा नहीं बल्कि ऐसा कहना महागठबंधन सरकार में विधायकों का है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार में मंत्री से लेकर विधायक तक पहुंचे थे सीतामढ़ी इस शिलान्यास में और इस दौरान उन्होंने यह सारी बातें कही कि अब जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी समाप्त होगी, यहाँ पर अब मंदिर का निर्माण किया जाएगा। आज के दिन का सभी से इंतजार कर रहे थे सीतामढ़ी के लोग और उनका इंतजार अब खत्म हुआ। इसी के साथ साथ विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया और क्या कुछ कहा पहले आपको हम वो सुनाते हैं। सबसे पहले मैं अपने परम आदरणीय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने क्योंकि पूरे 38 जिला हमारे देश का नाम भी भारत माता महिला के नाम पे है, हमारे देश की जितनी भी नदियाँ हैं उन सारे नदियों का नाम भी महिला के नाम पे है और पूरे बिहार में 38 जिला में मात्र एक जिला महिला के नाम पर, वो सीता माँ का जन्मस्थली सीतामढ़ी जिला है। तो इसके जो जीर्णोद्धार के लिए विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिला आधार रखा है, उसके लिए मैं आधी आबादी महिलाओं की ओर से समस्त सीतामढ़ी और बिहारवासियों की ओर से उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करती हूँ। और सबसे खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जानकी नवमी के नाम पर बिहार सरकार में छुट्टी घोषणा की और छुट्टियाँ होती हैं, तो महिलाओं के लिए तो चाहे तो आदिकाल की महिला हो या अभी वर्तमान काल की महिलाएं, उनका कैसे विकास हो, उनके रख रखाव, उनके लिए आगे के भविष्य की भी बात अगर कोई नेता करने वाला है इस देश में और इस बिहार राज्य में, तो उस नेता का नाम विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के कार्य को करते रहते हैं और माँ जानकी के जन्मस्थली पुनौरा धाम में आज 72 करोड़ रुपया जो देने का काम किए हैं, इसके लिए पूरे सीतामढ़ी वासी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। साथ में किशोर कुणाल जी ने अभी घोषणा भी किया है कि उसके अंदर जो हनुमान न्यास बोर्ड है उससे भी मंदिर का कार्य होगा, क्योंकि यहाँ सौंदर्यकरण का कार्य जो है सो पर्यटन विभाग के द्वारा होगा, मगर मंदिर बनाने का काम भी यहाँ 1 महीने के अंदर में शुरू हो जाएगा और राम की मंदिर जैसे बना हुआ है अयोध्या में उसी तरह से सीता का भी भव्य मंदिर यहाँ बनने जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि धन्यवाद पूरे सीतामढ़ी जिलावासी नहीं पूरे बिहार वासी की तरफ से उनको देना चाहते हैं। सर, जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर वहाँ तैयार हुआ था, क्या केंद्र सरकार को भी यहाँ पहल करनी चाहिए था? निश्चित रूप से पहल करनी चाहिए था, मगर केंद्र सरकार नहीं पहल कर रही है, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है और केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूँ कि केंद्र सरकार को, और हम लोगों के मिथिला में ही नहीं पूरे देश में कहावत है सीताराम कहा जाता है, जय श्री राम नहीं कहा जाता है, सीता तब राम। क्या कहेंगे सर, उस वक्त भी माँ सीता को अनदेखा किया गया था और आज भी जो मौजूदा सरकार है उसे अनदेखा कर रही है, खासतौर से केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देर से ही आए लेकिन आए और बड़ा सौगात दिया है उन्होंने। देखिए आपको याद होगा कि आनंद मोहन जी जब जेल से बाहर निकले थे, हमारे इधर जो गार्जियन हैं पंकज जी उस टाइम उस मीटिंग में थे और जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने ये बात बोली थी कि माँ सीता का भी भव्य मंदिर बनना चाहिए और आज बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है यहाँ पे। और मैं ख़ास तौर पे आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा जो केंद्र की सरकार है वो कब तक
राम के नाम पे जो ये पॉलिटिक्स होता है, राम भगवान के नाम पे जो पॉलिटिक्स होता है, उनको ये समझना चाहिए कि मिथिला के लोग जो हैं सही बात बोल रहे हैं कि पहले सीता फिर राम, हम जय सिया राम बोलने वाले लोग हैं, तो पहले सिया आती हैं फिर राम आते हैं। तो ये बहुत दिन से ये एक तरीके से सीतामढ़ी के लिए पेंडिंग था, हाँ, और यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद। विधायकों ने किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद कहा सुना आपने। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि आज के दिन का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे सीतामढ़ी के लोग, और ये इंतजार मुख्यमंत्री ने अब खत्म कर दिया है। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आए और कहा कि यहाँ के लोग कब से चाह रहे थे कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी एक ना सुनी, बिहार सरकार ही अंततः मंदिर का निर्माण कर रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए नजर आए। क्या कुछ था इस खबर में बताया मैंने आपको विस्तार से, तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।